अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि CSS 2019 की एक्चुअली जो अप्लाई ऑनलाइन है वो स्टार्ट हो गई है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि CSS के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे की जाती है, मतलब जो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो पहले तो ये होता है कि पहले बंदा देखे कि मतलब जो हमारे पूरे सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ें, सिलेबस के बारे में पढ़ें, जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी तरफ आते हैं, जो रिवाइज स्कीम है अभी जो बना हुआ है 2019 के लिए वो ये है, ठीक है। तो उसमें जो मेन मार्क्स होते हैं एग्जामिनेशन के वो 1200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। जो एज ए होल एग्ज़ाम होता है उसके हमारे पास 1200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहले कंपलसरी सब्जेक्ट हैं 600 के, वो पहले हम आपको बता देंगे कि कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो आपको बता देंगे। तो इसके साथ जो पहले नंबर पे हमारे साथ जो इंग्लिश ऐसे है उसके हैं हमारे पास 100 मार्क्स, ये कंपलसरी आपको पेपर देना होगा इंग्लिश ऐसे का। उसके बाद जो इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन है उसके भी 100 मार्क्स, ये भी कंपलसरी है। जर्नल साइंस एंड मोबिलिटी, मतलब जितने भी ये 6 सब्जेक्ट नीचे दिए हुए हैं, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेस कंपोजिशन, जर्नल साइंस एंड मोबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, ये मुस्लिम के लिए, और नॉन मुस्लिम के लिए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलेशन फॉर नॉन मुस्लिम, ठीक है। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 600 बनते हैं, ठीक है। 600 मार्क्स ये हमारे पास एक किस्म के कंपल्सरी है, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ कंपल्सरी बन रहे हैं ये पेपर हर एक को मस्ट देने होंगे 6 पेपर। उसके बाद आती है हमारे पास बारी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो नीचे दिए हुए हैं, 600 मार्क्स टोटल, 1200 मार्क्स है, इसमें 600 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है, 600 ऑप्शनल है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल ग्रुप्स हैं वो हम आपको बता देते हैं, ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, हमारे पास टोटल 7 है ग्रुप्स हैं, और आपको इसमें से 600 मतलब मार्क्स वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, और ग्रुप के साथ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो आपको तरीका हम आगे बताते हैं। तो आपको पहले ग्रुप में आना होगा ग्रुप 1, इधर लिखा हुआ है ब्रैकेट में टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली। यहाँ पे जितने भी 4-5 सब्जेक्ट दिए हुए सब के 200 मार्क्स हैं, तो लिहाजा आप सिर्फ यहाँ से 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग लेते हैं तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक अडॉप्ट नहीं कर सकते, कंप्यूटर साइंस एंड, मतलब एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें तो दूसरा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप पोलिटिकल साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो ये आपका एक ग्रुप कम्प्लीट हो गया, 200 मार्क्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। नीचे फिर ग्रुप 2 में कह रहे हैं कि टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स ओनली, यहाँ पे भी आपको 200 मार्क्स इस ग्रुप में सेलेक्ट करने होंगे। वहाँ पे जो ऊपर पहले वाला ग्रुप है उसमें टोटल सबके जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए 5 सबके 200 मार्क्स हैं। सेकंड ग्रुप में यहाँ पे देखें पहले सब्जेक्ट के 200 हैं, दूसरे के 200 हैं, बाकी 4 के 100 मार्क्स हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप फिजिक्स अडॉप्ट करते हैं तो आपको सिर्फ फिजिक्स अडॉप्ट करना होगा, आपके साथ इसके साथ दूसरा सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। अगर आप केमिस्ट्री अडॉप्ट करें तो आप सिर्फ केमिस्ट्री अडॉप्ट करेंगे 200 मार्क्स वाले, क्योंकि ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आप सिर्फ 200 मार्क्स इस ग्रुप में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स अडॉप्ट करते हैं तो उसके साथ आप दो सेकेंड कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। मतलब अगर 100 नंबरों का पेपर आपने सेलेक्ट किया तो आपको 100 नंबरों वाला और भी सिलेक्ट करना होगा। अगर 200 वाला सेलेक्ट किया तो ठीक है, 200 वाला बस वो काफी है। उसके बाद है ग्रुप 3, ग्रुप 3 में कहते हैं कि आपको 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट सिर्फ एक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक गवर्नेंस, टाउन प्लानिंग, तो अगर इसमें से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप सेलेक्ट करेंगे तो आप तीनों को छोड़ेंगे, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो बाकी को छोड़ेंगे, मतलब एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा इस ग्रुप में से, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रुप 4 में, इसमें भी आपको 100 मार्क्स वाला, जिस तरह प्रीवियस मैंने बताया कि 100 मार्क्स अगर आपको ऊपर लिखे हुए 200 तो यहाँ पे आप दो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट इन 5 में से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो भी होगा एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना।
ग्रुप 5 में भी सेम लाइक इसी तरह फार्मूला है, 6 में भी सेम फार्मूला है और 7 में भी सेम फार्मूला है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन भी अडॉप्ट करते हैं और हम लैंग्वेज मतलब जो पंजाबी है वो पंजाबी का कहते हैं, सिंधी पश्तो बलोची और अरबिक पर्शियन जो भी है। लेकिन आप ये नोट कर लें कि इस ग्रुप के ऊपर 7 ग्रुप में अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं कि हम जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन लेते हैं तो साथ साथ लैंग्वेज भी हम अडॉप्ट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर आप जर्नलिज्म अडॉप्ट करते हैं तो आपको आना होगा यहाँ पे इसकी तरफ, यहाँ पे नीचे देखना होगा, पहले ऊपर डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है उसके बाद आपको ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रुप रहा, आप टोटल इनमें से आप 600 मार्क्स वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, फिर जाके आप स्टडी करें। ऊपर 600 आपके ऑलरेडी कंपल्सरी है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट, उसके बाद आपके 600 मार्क्स वाले सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक लेता हूँ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एक मैंने कंप्यूटर साइंस लिया 200 मार्क्स वाला, एक मैंने फिजिक्स लिया, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए 400। अब मेरे पास 200 मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे नीचे तीसरे चौथे ग्रुप की तरफ जाना होगा। उधर ऊपर जो मैं फीजिक्स कंप्यूटर साइंस मैंने ले लिए 400 मार्क्स हो गए, यहाँ पे 100 मार्क्स वाला मैं सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे 100, ये 500 हो गए। अब मुझे इन हिस्ट्री में अगर कोई आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, नहीं तो नीचे आ जाए, जनरल स्टडी इन चीज़ों में अगर नहीं है तो ना किसी में आ जाए, अगर उसमें भी नहीं है तो नीचे मतलब कोई लैंग्वेज में आ जाए, मैं यहाँ पे अरेबिक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 100 ये और 100 मेरे पास बिजनेस के 200 हो गए, 200 मेरे पास इसके फिजिक्स के 400 हो गए, 200 मेरे पास मेरे पास 600 पूरे हो गए। अगर आप फिर भी ये नहीं करते, अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे कोई सब, वो डिपेंड करता है आपके अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन पर, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिया, मैंने सेकंड ग्रुप को छोड़ा, ठीक है, थर्ड को मैंने यहाँ पे लिया गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो 200 मेरे कंप्यूटर साइंस के मार्क्स हो गए, 300 हो गए। यहाँ पे मैं हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ये लेता हूँ, मेरे 400 हो गए। यहाँ पे मैं आ गया उर्दू लिटरेचर, ये आऊँगा, ये मेरे मतलब 400 हो गए। यहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन ला लेता हूँ 500, नीचे मैं आ जाता हूँ कोई लैंग्वेज या जनरल मार्क्स 600 मेरे पूरे हो गए। जरूरी है आपके मैक्सिमम आपके मतलब 4 ग्रुप से भी आपके 600 मार्क्स होने चाहिए, 6 ग्रुप से भी 600 पूरे होते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी 5 ग्रुप से या 6 ग्रुप से। तो मतलब जो भी चीज़ अगर अडॉप्ट करेंगे उसको आपने देखना होगा कि ये इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हर ग्रुप के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है उसको ज़रूर पढ़िएगा प्लीज। तो उसके बाद जो आपको मतलब जो भी आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे इधर से, तो वो आपको पता चले कि ये सब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रा ज़्यादा पढ़नी होंगी, ठीक है, इसमें सब चीज़ें दी हुई, देखें सिलेबस ये लिखा हुआ है, ये सिलेबस जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये चीज़ सामने आ जाती है, ठीक है, हमारे पास पूरा सिलेबस आता है। तो सिलेबस जो है उसमें पहले सब चीज़ें आपको बताई होती है, जितने भी सब्जेक्ट आप मतलब ऊपर से दिए हुए सब, ठीक है, ये स्क्रीन लिखा हुआ है, ठीक है, एक पेज नंबर 1 से 3 तक इसका डिटेल ब्रीफिंग दिया है, उसके बाद पेज 4 से लेकर इंग्लिश ऐसे से लेकर पेज 4 से लेके तरह सब चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक जियोलॉजी सब कुछ स्टैटिस्टिक्स लास्ट वॉलॉजी तक सब कुछ चीज़ें दी हुई है, ठीक है। इसके रिकमेंडेशन बुक्स तो पहले नंबर पर आता है इंग्लिश ऐसे, ठीक है, इंग्लिश ऐसे में ये कहे कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन आर मोर ऐसे इन इंग्लिश, वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक विल बी गिवन, आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे या 4, फिर आपने एक ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने कोई सिलेक्शन तो नहीं किए लेकिन बुक्स उन्हें रिकमेंड नहीं किए, ठीक है, सब चीज़ें उन्होंने बताई नहीं है। इंग्लिश प्रेसेंस कंपोजिशन भी है इसमें, ठीक है, उन्होंने रीडिंग ये तरीके बताए, जितनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उन्होंने बताई है, सब चीज़ें इसमें देख लें। सिलेबस में जाके प्रोफेसर फंक्शन के साइड में जाके आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, ग्रुपिंग और पेयर ऑफ और ये सब चीज़ें इसमें, ट्रांसलेशन के 10 मार्क्स। तो इन्होंने जो मतलब हर सब्जेक्ट के साथ इन्होंने इस तरह की बुक्स रिकमेंड की हैं, ठीक है, तो वो भी पढ़ा करें। अब इन्होंने जो पहले पहले बुक्स रिकमेंड किया इंग्लिश के लिए, प्रीसेंस के लिए और कंपोजिशन के लिए, वो इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ है, ठीक है, वो रेमंड मर्फी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का जो है वो आप यूज़ करें बुक्स, ठीक है, उन्होंने सिर्फ सजेस्ट किया हुआ, ज़रूरी नहीं कि आप ये लें, आप किसी से पूछ लें, CSS जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है उनसे पूछ लें, किसी भी पूछ लें, जरूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने रिकमेंड किया है। प्रैक्टिकल इंग्लिश के लिए एम्सवान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेस है, ठीक है, लिटल ब्राउन हैंडबुक ये रैमजे प्लावर वाला का, अगर वो लेना है, ठीक है, तो मतलब आप जो भी है ले लें, लेकिन उन्होंने सिर्फ सजेस्ट किया है।
तो इसी तरह बाकी सब्जेक्ट है, जनरल साइंस एबिलिटी के लिए सब कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो भी चीज़ें हैं जो भी मतलब इसमें आता है वो बता देते हैं। तो उसके बाद जो पार्ट टू है वो भी बताते हैं। उसके बाद उन्होंने देखे इधर भी उन्होंने सब्जेक्ट जो है उससे सॉरी जो बुक्स हैं वो रिकमेंड किए हैं, ठीक है, और सब कुछ आपको दिया हुआ है। इसी तरह तीसरा करंट अफेयर उस पर नीचे आ जाए उसके भी बुक्स सब कुछ रिकमेंड दिया हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें मतलब आप पूछना चाहते हैं तो उसको मतलब ज़रूरी नहीं कि आप किसी से पूछें या कॉल करें, आप जस्ट सिलेबस को उठा लें। सिलेबस में आप देख लें कितने पेजेस हैं, सिलेबस में आपको पता चलेगा पेज वन से लेके पेज वन फिफ्टी फाइव, मतलब आपको एक दिन लगेगा या मतलब आधा दिन लगेगा। आप इसको गौर से पढ़ लें आपको सब कुछ समझ आ जाएगी कि मैं किस किस चीज़ जो मैं अगर कन्फ्यूज हूँ तो वो कहाँ पे आएगी, सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट होगा, मैं बुक्स कौन से ले लूँ। ठीक है ज़रूरी नहीं कि ये बुक्स मतलब परफेक्ट है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे भी दिया और कुछ रिकमेंड भी किया है। तो कोशिश करें जो आपके सीनियर हैं उनसे पूछें, बुक सेंटर पे जाके मतलब जो आपको बताते हैं वहाँ पे जाएं, लाइब्रेरी में जाएं, फ्रेंड से पूछें, शेयरिंग करें, डिस्कस करें, उसके बाद हम बुक्स ले लें उसको पढ़ें, ठीक है। तो ये रहा आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का तरीकाकार और बुक्स लेने का तरीकाकार, रिकमेंड करने का तरीका। जो भी मसला हो कमेंट करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दे देंगे। और इस यूट्यूब को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसमें हमेशा फेडरल पुलिस कमीशन और बाकी चारों सूबों के कमीशन की जॉब्स वगैरह और इसके अप्लाई के तरीके के हवाले से हम सब कुछ वीडियो शेयर करते हैं। शुक्रिया।